ये आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर वन में, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर वन। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर फोर्थ वीक एंडेड 28 फेब 2020। तो हम लोग को यहाँ पे 28 फेब का जो फोर्थ वीक का यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेट करना है और उसका प्रॉफिट भी हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल है, इसमें बाकी हम लोग के पास डेटा दे रखा है, क्या क्या डेटा दे रखा है तो पढ़ते हैं पर्सन को। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोर वीक एंडेड 28 फेब 2020, जिसमें यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम का दे रखा हुआ है, फिर डायरेक्ट वेजेस का दे रखा हुआ है, फिर मशीन आवर कितना वर्क हुआ वो दे रखा हुआ है, फिर मशीन आवर का रेट यहाँ पे दे रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड दे रखा हुआ है जो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है, फिर सेलिंग ओवरहेड में बोला कि 20% और ₹20 पर यूनिट है, और यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड हुआ 10,000 यूनिट, और जिसका प्राइस यहाँ पे होने वाला सेल करने के टाइम है ये 120 करके। तो ये हम लोग के पास सारी का सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें हम लोग को सबसे पहला जो काम था वो यूनिट कॉस्ट निकालना था, एंड जो दूसरा काम है यहाँ पे तो वो हम लोग को प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सम्स है, बहुत ही इजी सम्स है, आज ये कॉपी में बनाते हैं। कॉस्ट शीट तो आप लोग को याद होगा ना, उसी तरह से हम लोग कॉस्ट शीट जैसे बनाते थे तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो आज ये कॉपी में बनाते हैं हम लोग। उससे पहले YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमर्स स्टडी हब या सी एस स्टडी हब जैसे सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा YouTube चैनल। टेलीग्राम पे तो जुड़ गए होंगे, जो वहाँ पे नोट्स आप लोग को मिलेगा वहीं से डाउनलोड कर पाओगे आप लोग, या मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। एंड्रॉइड यूजर के टाइम में एडूहव 3 मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, और यहाँ पे जब iOS यूजर हो तो क्लास प्लस, और उस टाइम में कोड यूज़ करना होगा BQBY, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखना अगर है तो wave.classplus और VQBY, और जो अगर YouTube चैनल पे देख रहोगे तो वो तो आप लोग देख ही रहोगे, वो तो कहीं भी देख सकते हो। ये सब रहा सोशल मीडिया के लिए। पर्सनल मैसेज करना चाहते हो तो इस यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, जहाँ मी विक्रमादित्य, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जो भी हो उस पे मी विक्रमादित्य सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। और ये रहा ऑफिशियल व्हाट्सअप या टेलीग्राम नंबर, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कॉल जो भी होगा अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में, इलस्ट्रेशन नंबर वन का। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर वन, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। सबसे हम लोग का जो रिक्वायरमेंट था इसमें क्या दे रखा होता कि कॉस्ट पर यूनिट, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे अभी, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट का एक कर देते हैं कॉलम, एक अमाउंट का कर देते हैं। इसमें सबसे पहला जो हम लोग के पास कॉस्ट है वो किस चीज़ का कॉस्ट है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम का, तो यहाँ पे लिखे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना दे रखा है, 4 लाख दे रखा है, तो अमाउंट में कितना आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा। और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना था, नंबर ऑफ यूनिट हम लोग के पास कितना दे रखा था, 10,000 यूनिट, ये हम लोग के पास गिवेन है ना कि 10,000 यूनिट था प्रोड्यूस में। देखिए ये जो एक्सपेंस हम लोग का होने वाला है, जितना भी ये सब एक्सपेंस है वो कितने यूनिट के लिए है, तो 10,000 यूनिट के लिए है। तो अगर हम लोग 1 यूनिट के लिए निकालेंगे यहाँ पे, तो ये 4 लाख जो हम लोग के पास हो गया, इस 4 लाख में हम लोग 10,000 यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास 1 यूनिट के लिए कॉस्ट आ जाएगा, मतलब कॉस्ट पर यूनिट। तो इस केस में हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट कितना आने वाला है, तो ये हम लोग के पास आने वाला है 40 करके। ये सब बहुत ही इजी है। अब देखिए आगे देखिए, डायरेक्ट वेजेस में देखा 2,40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस जो कितना रखा हुआ था 2,40,000, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2,40,000, और इसमें हम लोग 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कॉस्ट कितना आ जाएगा 24, और ये दोनों को ऐड करने के बाद जो भी रॉ मटेरियल था, फिर डायरेक्ट वेजेस था, डायरेक्ट एक्सपेंस तो इसमें है नहीं, तो ये सब ऐड करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाता था, तो ये हम लोग के पास आ जाता था प्राइम कॉस्ट, जो आप लोग को याद ही होगा। तो प्राइम कॉस्ट कितना आ गया, तो 40 + 24, तो ये हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट आ गया 64 यूनिट के हिसाब से, और टोटल में देखा जाए तो यहाँ पे 4,00,000 + 2,40,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 6,40,000, ये हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट आ गया। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग के पास मशीन आवर कितना वर्क किया वो दे रखा हुआ है, और मशीन आवर का हम लोग के पास रेट दे रखा हुआ है, इससे हम लोग प्रोडक्शन ओवर हेड निकाल सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड तो निकाल सकते हैं ना। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवर हेड, ये कितना हो जाएगा, तो मशीन यहाँ पे काम किया है 3,200 आवर और ₹40 करके इसका कॉस्ट है, तो 3,200 आवर इंटू ₹40 है 1 आवर के लिए कॉस्ट, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 3,200 × 40, तो ये हम लोग के पास आ गया टोटल में 1,28,000, ये हम लोग के पास कॉस्ट आ गया जो टोटल 10,000 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट के लिए हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.8, तो ये मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। अब मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाता था, तो हम लोग के पास आ जाता था यहाँ पे
वर्क कॉस्ट, अब ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट हम लोग के पास कितना आ गया, प्लस करेंगे 6,40,000 को मैं ऐड करेंगे वाला 28,000 को, तो ये हम लोग के पास आ गया 7,68,000, और इधर जब हम लोग ऐड करेंगे तो 64 प्लस 12.8, ये हम लोग के पास आ गया 76.8, तो ये हम लोग के पास वर्क कॉस्ट आ गया। अब वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, ऑफिस ओवरहेड दे रखा हुआ है, सेलिंग ओवरहेड दे रखा हुआ है, तो ये सब चलिए हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करेंगे हम लोग ऑफिस ओवरहेड, जो हम लोग के पास ऑफिस ओवरहेड कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो लिखेंगे 10% इंटू वर्क कॉस्ट हम लोग के पास कितना है 768,000, तो 768,000 का 10% हम लोग के पास आ गया 76,800, तो ये हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। और ये कॉस्ट ऐड करने के बाद जो हम लोग के पास हो जाएगा, और इसका जब हम लोग 10,000 से डिवाइड करेंगे 76,800 में, हम लोग अगर 10,000 से डिवाइड करेंगे तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 7.68, और जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग के पास आ जाएगा जो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 76.8 प्लस में 7.68, ये आ जा रहा है 84.48, और यहाँ पे इसमें टोटल में कितना आ जाएगा 768,000 प्लस में 76,800, तो हम लोग के पास आ गया 8,34,800, ये हम लोग के पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग ओवरहेड दे रखा है, तो हम लोग सेलिंग ओवरहेड को ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड सेलिंग ओवरहेड्स जो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड के लिए दे रखा है 20 पर यूनिट, और यहाँ पे पर यूनिट किस में, तो सोल में, और सोल प्रोडक्शन कितना था सिर्फ और सिर्फ 10,000 यूनिट था, तो यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा 10,000 यूनिट था, और जिसका यहाँ पर यूनिट के लिए सोल का कितना दे रखा है 20 रुपीज सेलिंग ओवरहेड, तो 20 हो जाएगा, तो 10,000 × 20 कितना हो गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 2 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा 20 करके हम लोग के पास एक्सपेंस, और ये हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ऐड करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, या यहीं पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद और भी कॉस्ट ऐड तो कुछ नहीं होगा ना, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल, जो आ जाएगा 104.48, और इस साइड में अगर देखेंगे तो 844,800 प्लस में हम लोग ऐड करेंगे 2 लाख, तो हम लोग के पास आ जाएगा 10,44,800, ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट के बाद हम लोग के पास प्रॉफिट के लिए तो नहीं दे रखा हुआ कितना प्रॉफिट, और हम लोग के पास सेल का प्राइस दे रखा हुआ 120 करके, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे प्रॉफिट, जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, प्रॉफिट हम लोग के पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर आने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा सेल्स, और सेल्स के लिए तो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 10,000 यूनिट सेल हुआ है, और 1 यूनिट जो सेल हुआ वो कितना कर गया, तो यहाँ पे 120 करके हम लोग के पास सेल हुआ है, तो 1 लाख का सॉरी 10,000 का 120 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 लाख, और बैलेंसिंग फिगर में कितना आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे 10,44,800, तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया 155,200, और इस केस में हम लोग के पास जो हो जाएगा यहाँ पे सेल प्राइस था 120, फिर 120 में से माइनस करेंगे 104.48, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 15.52, ये हम लोग के पास आ गया सेल का जो भी प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर का था वो। अब देखिए सेल्स में रिक्वायरमेंट क्या था, कॉस्ट पर यूनिट निकालना था, तो कॉस्ट पर यूनिट का तो हम लोग के पास ये आ गया कॉलम, ये जो कॉलम हम लोग के पास गिवेन है ये क्या हो गया कॉस्ट पर यूनिट का, और दूसरे उसके बाद हम लोग के पास क्या बोला था प्रॉफिट भी निकाला था, तो प्रॉफिट वहाँ हम लोग के पास आ गया, चाहे अगर यूनिट में देखेंगे तो उसके हिसाब से 15.52, अगर टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे 155,200, और इसी के साथ ये हम लोग के पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही ईजी था, अगर कॉस्ट शीट अगर आप लोग को आता था तो ये तो आप लोग को सम्स वैसे ही बन जाना था, ठीक है।